आजकल काम बहुत खराब चल रहा है। मैं जितना कमाता हूँ उससे काम करने वालों और साहूकार को पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। प्लीज इसमें मेरी मदद करें। जय विघ्नेश्वर भगवान। क्या ये जॉन, मैंने अभी भी होटल खोला है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो प्लीज यहां बताना, मुझे जो कहना था मैंने तुम्हें बता दिया। ए विजयन, तुम मुझसे पैसे उधार लेने आए थे और मैं उसी पैसे को लेने आया हूं। क्या हमें अपने प्रबंध को इज्जत नहीं देनी चाहिए? हैं? बैठो, बैठ जाओ। शायद मैं बहुत अमीर हूं इसलिए ये लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। किस्मत से पैसे के लिए मुझे इज्जत मिलती है। जॉन, मैंने तुमसे जितने पैसे लिए थे उससे ज्यादा तुमने मुझसे ब्याज के नाम पे ले लिए। मैं अब इसे और नहीं झेल सकता। तो अब तो ना पैसा है ना इज्जत। काम एक ऐसी चीज है जहां आप दूसरों से पैसा कमाते हैं ना, ये कला है ना, इसमें नाराज होने की क्या बात है? हरामी साले, तू मुझे काम करना सिखाएगा? इसे भगाओ यहां से, दिखाता हूं मैं यहां काम कर सकता हूं या नहीं। लेकिन किसी कारण से उसे इस पर कुछ नहीं। यूनाइटेड का पहला गोल। आप ऊपर देखकर क्यों नहीं आते? क्या है? मुझे अभी तक किराया नहीं मिला है। अरे नहीं नहीं ठीक है, तुम बाद में दे देना। अंजलि को मैंने रोकर जाते हुए देखा था, मुझे बस इतना ही बताना था। बापरे, तुम फालतू में लोगों को डरा रही हो।
तो तुम डरते हो ना? मैं नहीं डरता। वैसे भी जाने का फैसला तुम्हारा था, सोचा तुम्हें वहां तक छोड़ दूं। तो तुम मुझे छोड़ने आए हो? परेशान मत हो, मैं खुद जा सकती हूँ। थोड़ी धीरे चलाओ। मुझे बात ही नहीं करनी, तुम बहुत गुस्से वाले हो। ऐसा मत करो मुतु को, ठीक है छोड़ दो, वो बहुत गुस्से वाला है। ऐसा क्या, तुम बड़े गुस्से वाले हो? मैं चेक करके देखूं। पकड़ो पकड़ो। तुमने सुना नहीं, क्या हुआ? मैं गिर गया। मुझे सच बताओ, किसी ने परेशान किया? ओह क्या हुआ बेटा, उठ जाओ। क्या हुआ? मुद्दुकुटी ने मुझे मारा माँ। उन लड़कों से पिटने के बाद रोते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम उस पे चिल्ला क्यों रहे हो, उससे क्यों नहीं पूछते जिसने मारा? कृष्णदास अपने बच्चे को संभालो, यहाँ आओ। इसकी नाक देखो, तुम्हारे बेटे ने नाक तोड़ दी। आपके बेटे ने ये फिर किया तो मैं इस तरह जवाब नहीं दूंगा, इसे चेतावनी मान सकते हो। चलो चलते हैं तुम्हारे खेल के लिए। ये किसको घूर रहे हो? ए, छोड़ डंडे को, चल बाहर निकल, मेरी क्लास में फिर कभी मत आना। अरे क्या चल रहा है, मुझे छोड़ दो। सिद्धू इन लोगों ने मुझे मारा। मैं पिटाई के बाद रोने में शर्म नहीं आती, वापस मारो उन्हें। लेकिन मैं मारो उन्हें।
दूसरों को ताली बजाते हुए देख के तुम्हें ऐसा लगता है तुम महान हो? कॉलेज में लड़ना इतनी बड़ी बात नहीं है। पिटने से तो अच्छा ही है पिटना। मुझे डर लगता है जब तुम हर चीज के लिए गुस्सा करते हो। इस उम्र में यही जरूरी है, समय के साथ बदलेगा। ध्यान रखें कि तुम ग्रेजुएशन के आखिरी साल में हो, तुम्हें अपनी परीक्षा पास करनी होगी, फिर जॉब देखनी है। लगता नहीं मेरे पापा मानेंगे। किस लिए? तुमसे शादी के लिए। है? क्या नहीं करना चाहते? सच में? अंजलि, इस घर में सब कुछ फैला हुआ है। अंजलि, अंजलि, कहीं जवाब भी शुरू कर दिया। मिलेगी भी कैसे? पूरा घर गलियों से खरीदे हुए कचरे से भरा हुआ। क्या चाहिए? कार की चाबी कहाँ है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? शांति से नहीं ढूंढ सकते? मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस पूछ रहा हूँ कार की चाबी कहाँ है। हेलो, तुम लेट हो, मैं भी। पैसा जमा करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना? इनमें से कौन सा? क्या मैं पेन ले सकता हूँ? पीला वाला। पीला वाला? पीला वाला मुझे पेन दो। अरे मैं जल्दी वापस कर दूंगा। इसे जमा करें, पासबुक में सारे पैसे जमा ना करें। इसमें से आधा पासबुक में और आधा एटीएम में जमा करें। पूरे पैसे डेबिट कार्ड से निकाल सकते हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे परिवार के लोग इसे फालतू में खर्च कर देंगे। बशीर, मेरी बेटी का बेटा, वो बहुत दुष्ट है। आप ऐसा कुछ कर सकते जिससे हम 1000 रुपए मांगे और 500 ही निकले? यह ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आप इसे बैंक क्यों कहते हैं? मैं उसी बैंक में खाता खोलूंगा। ये फिर से काम कर रहा है, देखो। क्या प्रकाशन क्या है? मैं इसे भी चेक कर रहा था, ये अब काम कर रहा है। मुझे इसका दूसरा छोर नहीं मिल रहा। कहाँ है? लो जाओ। आपको क्या हुआ? ए, क्या है सर? क्या सर? सूखी है सही। ये ले लो। थैंक्स सर। सर, मेरे अकाउंट नंबर में सिर्फ 8 नंबर है, लेकिन यहाँ 14 कॉलम भरने हैं। मैं चाहे जिस तरफ से भी लिखना शुरू करूँ, वहाँ 5 कॉलम खाली ही रहते हैं। अब मैं क्या करूँ? आप बस अपना अकाउंट नंबर क्यों नहीं लिखते? ओ, बस इतना ही? ठीक है। मना नहीं, मैं बैंक में हूं, आ जाऊंगा घर वापस। भाड़ में जाए उसका बरामदा। सुनिए सुनिए, माफ करें सर, मैं थोड़ा बिजी हूं। हूं। अच्छा, आप उस काउंटर पर जा सकते हैं सर, प्लीज आप वहां बैठ सकते हैं, उन्हें संभालो। मॉर्निंग सर, कैन आई हेल्प यू? इसमें 10 लाख रुपए है, एफडी करने आया हूँ अपनी पत्नी के लिए। सर, अब मैं फ्री हूँ। फिर मिलते हैं प्रकाशन।
बाय बाय सिद्धू, बाय सिद्धू, बाय बाय प्रकाशन, फिर मिलते हैं, आओ। अरे वो पैसे जमा करने वाला आदमी पहले मेरे पास आया था, मैंने इसे तुम्हारे पास भेजा था, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। तुमने कार खरीदने के बाद कोई पार्टी नहीं दी, मैं तो बस याद दिला रहा था। प्रकाशन जो भी है कह सकते हो, लेकिन मारना मत। मेरे हाथ लगाने से क्या दिक्कत है, माफ करना। हेलो, हेलो, हाय सिड, अंदर आओ। जी मैडम। तुम ओवर टाइम कर रहे हो ना? अच्छा कर रहे हो, क्या मैडम? आओ बैठो। मैंने इसे आपके लिए खरीदा है। थैंक्स। आज शाम का क्या प्लान है? आप फ्री हैं तो हम कुछ प्लान कर सकते हैं, मूवी, डिनर या जो भी पसंद हो। मैडम आज थोड़ा बिजी हूँ, हम कभी और चलेंगे? ठीक है, कल मिलते हैं। मिलते मैडम। वो मुझसे क्यों नहीं पूछती? हे सिड, मेरा गिफ्ट। थैंक यू। वो क्या है? ए, आज का क्या प्लान है तुम्हारा? वो बिना वजह गुस्सा है। हेलो, आप ऑफिस से निकल गए? हाँ निकल गए। मैं सिटी सेंटर में हूँ, यहाँ आ सकते हो? वहाँ क्या कर रही हो? थोड़ी शॉपिंग करनी थी। ठीक है। मैं पहुँच गया हूँ, कहाँ हो तुम? मैं तीसरी मंजिल पर हूँ, एलएनए स्टोर पर। ठीक है। प्लीज सुनिए सर, आप बुरा ना माने, आपके पास 2 मिनट हैं। मुझे बुरा लगेगा। वो कैसा आदमी है, चलो। हो गया, आओ चले। क्या वो उसका पति था? मारा गया। बैंक में बड़ा बिजी दिन था। कुछ लोग तो हमें पागल कर देते हैं, क्या होते होते मेरा पूरा मूड खराब हो जाता है। जल्दी घर चलो, हम मूड ठीक कर देंगे। पता नहीं इसे चला के यहाँ तक कैसे लाई। गाड़ी चलाना मेरे बस की बात नहीं, तुम चला लो। ड्राइविंग तभी आएगी जब प्रैक्टिस करोगे, बहाने बनाते रहोगे तो सीख गई। चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे इसी बात की चिंता है। ऐसे देखते हो तो मेरा कॉन्फिडेंस चला जाता है। मेरे साथ शांति से रहे, गुस्सा मत कीजिए। ठीक है, चिंता मत करो, कार स्टार्ट करो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। कार स्टार्ट करो, क्लच को धीरे धीरे छोड़ो, आराम से। आदमी नहीं दिखा तुम्हें? नहीं। क्लच दबाओ, क्लच दबाओ, गियर बदलो, तो इंजन बंद हो जाएगा। ये क्लच है, ये ब्रेक है, पर पीछे काटो, बस टकराने वाले थे। कार स्टार्ट करो, कार तुम्हें नहीं, तुम कार को चला रही हो, तुम्हें इतना समझना चाहिए ना। कार अब किस गियर में, कौन सा गियर है? मुझे नहीं पता। आवाज सुनकर बता सकती कौन से गियर में? गियर बदलो। तुम कार की आवाज नहीं सुन सकती? क्लच को पूरी तरह दबाओ, फिर गियर बदलो। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था मुझे गाड़ी नहीं चलानी। मैं गुस्सा नहीं हूं।
और पीछे कार है, क्या नाटक है ये? कहाँ जा रही हो? अंदर ही अंदर हो तुम? एक रॉकेट साइंस नहीं है, कार स्टार्ट करो और क्लच दबाओ, फिर पहले गियर में शिफ्ट करके ड्राइव करो। ये ज्यादा नहीं है सर? ये ज्यादा नहीं है सर, सर्विस टैक्स मिला के सिर्फ 12,000 रुपए हैं। आपके पास कागज है ना? है ना? मैं आपको इंश्योरेंस के पैसे दिलवा दूंगा। थैंक्स। आपका स्वागत है सर। हाँ सर, सुनो सुनो सुनो, आप कीमत तय कर सकते हो। मेरा मालिक पागल हो गया है, आप कीमत तय कर सकते हो। मेरा मालिक पागल हो गया है, जो चाहे ले लो, जो चाहे ले लो अपनी कीमत पर। मेरा मालिक पागल हो गया है, मालिक पागल हो गया है। तो असिस्टेंट मैनेजर आपको पटा रही है, आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा। ऐसे ही रहा तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं भी मारूंगा। ठीक है। तुम ये रिंगटोन क्यों नहीं बदल देती? तुम्हारा हमेशा का ही कुछ रहता है। बॉल उठाओ अंजलि। बेवकूफ। कौन है? कोई पागल है, लगता है उसके पास कुछ काम नहीं है। मैं बात करता हूँ। तो नहीं, रहने दो, तुम दिक्कत बढ़ा दोगे, जरूरत लगी तो बता दूंगी। और जोर से खाओ। क्यों नहीं। I'm sorry. 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 Hey. माँ, सिद्धार्थ चले गए, वो तैयार हो रहा है। वहाँ सब कैसा है माँ? एक अच्छी खबर है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। अज्जू के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। आहा, हम कुछ रिश्तेदारों के साथ उनसे मिलना चाहते हैं। हमने अभी तारीख तय नहीं की। तुम सिद्धार्थ के साथ आओगी? बिल्कुल। माँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। माँ प्लीज पापा से सिद्धू को बुलाने के लिए कहो। हाँ ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगी। ठीक है माँ। मैं तुम्हें एक और बना दूंगी। हाँ थी, अज्जू की शादी के लिए रिश्ता आया है, इसका फैसला करने के लिए माँ ने हमें घर बुलाया है। तुम्हारे पापा भी नाराज हैं? हमें जाना चाहिए, कुछ भी हो इससे पापा का गुस्सा कम होगा। तुम कभी मसनागुड़ी नहीं गए ना? हम ऊटी भी जा सकते हैं। प्लीज। सोचूंगा। थैंक यू। तुमने वही परफ्यूम लगाया है ना? थोड़ा सा, मैं बस चेक कर रहा था, गुस्सा मत करो। बाय। देख के चलाओ ना। भाड़ में जाओ।
है सर। सब कस्टमर केयर को आपके बारे में शिकायत मिली है। अपने ग्राहकों के साथ संबंध का ध्यान रखो, नहीं तो इसका असर तुम्हारे कैरियर पे पड़ेगा। जी सर, सीरियस हो जाओ, ठीक है। गुड इवनिंग सर, आपकी कार तैयार है। सर क्योंकि आपका इंश्योरेंस तीसरी पार्टी से है, इसलिए आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। आपको पूरे पैसे भरने होंगे सर। आप बिना बात के इतना हंस क्यों रहे हैं? अगर मैं कस्टमर के हंस के बात ना करूं तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। थैंक्स सर। मसनागुड़ी के स्कूल में पढ़ी थी ना? मैं अच्छू को बोर्डिंग में भेजने का सोच रही हूँ। उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। आप कॉफी लेंगे? नहीं, बिजली चली गई। क्या देख रहे हो? हम जा रहे हैं, मिलते हैं अंजलि। जूस नहीं, ठीक है। ठीक है फिर। ठीक है, ठीक, फिर मिलते हैं। आओ अच्छू, चलते हैं। अपना रवैया बदलो। देखा तुमने, वो बदमाश है। तुमने ही ऐसा किया, अब संभालो। ये सब पढ़ने का कोई फायदा नहीं, तुम बड़ों और बच्चों के बीच अंतर भी नहीं कर सकते। तुमने सुना नहीं उसने जाते हुए क्या कहा? बड़ी बात, तुम्हें हमेशा मेरी गलती ढूंढने मजा आता है। ऐसा करने वाला कोई तो है? माफ करना, मैं कोशिश तो कर रहा हूं लेकिन कभी कभी मैं इसे संभाल नहीं पाता हूं। सिद्धू, मुझे पता है तुम जानबूझकर नहीं कर रहे। मुझे पता है जो तुम करते हो तुम्हें पसंद है, लेकिन ये सिर्फ मुझे पता है। हो सकता है दूसरे इसे ना समझे। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे समझो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ये पसंद नहीं है कि लोग तुम्हें बुरा समझे। तुम्हें गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, ये सिर्फ तुम ही बदल सकते हो। पर मैं मदद करूंगी, वादा। सिद्धू, हमें सबकी जरूरत है, दोस्त, परिवार, सब लोग।
पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। प्रॉमिस। आई लव यू। हाय। हे सिद्धू। हाय। लेट आए क्या? हाय। हाय। सब अंदर है। हेलो सर। हेलो सर, आपका स्वागत है। ये हमारे जोनल मैनेजर सर, मेरी पत्नी अंजलि। थैंक यू, प्लीज आइए। कौन है वो लड़की जिसने तुम्हें परफ्यूम दिया? हम काली साड़ी कहाँ पे? इसकी पीठ पे टैटू है। नियमित काम है। मैं चलती हूँ। तुम जा रही हो? हाँ, इतनी जल्दी? वो बड़ी है ना? लगता तो नहीं है। मुझे नाराज मत करो, तुम्हारा टैटू। ये मजाक नहीं है। हेलो, तुम इतने परेशान क्यों हो? जाओ और कुछ खाओ, मुफ्त है, नहीं तो अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या मुझे भी बात नहीं करनी चाहिए? हाय। हेलो। हेलो। हाय। तुमने स्मिता मैडम से बात कराई? हाँ, नहीं। मैं करा दूँ? मैं खुद करा लूँगा। अच्छा है, बाय मैडम। हाय। हाय। हाय सिट। हेलो मैम। हाय। ये मेरी पत्नी अंजलि। ओह हाय, कितनी प्यारी है। हाँ, तुम कब आए? अभी 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 आए मैम। ओह ठीक है। हे, मैं इसका ध्यान रखूंगी, तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ, ठीक है? चलो मैं तुम्हें मेरे दोस्तों से मिलवाती हूँ। तुम इस कंफ्यूजन में हो कि पहले क्या खाऊं? कैसा कंफ्यूजन? मुझे पता है तुम यहाँ खाने के लिए सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, रहने दो। हे, अरे आइसक्रीम कहाँ है? तुमने भाग के शादी करी है ना? लेकिन बताना मुश्किल है, वो बहुत गुस्से वाला है ना? तुम उसे कैसे संभालती हो? मुझे तुमसे कुछ सीखना चाहिए। तो तुम यहाँ थे इसलिए उसने मुझसे बात नहीं की। ठीक है फिर, बाय। ए, तुमने कुछ खाया नहीं? जाओ खा लो, जाओ। क्या बोल रहा था वो? सिद्धू, सिद्धू, हमें सुबह जल्दी चलना चाहिए। मैंने अभी तक पैक नहीं किया, हम चले? अब यहाँ है तो चलो खाना खा लेते, चलते हैं। चलो। बहुत भूख लगी। मैं भी। ए, सिद्धू। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। एक एक ड्रिंक हो जाए? नहीं, मैं जल्दी जाऊंगा। जी, गाड़ी चलानी है। ओके। सिद्धू, इस रविवार मेरी बेटी का पहला बर्थडे है, हम अपने घर पर पार्टी कर रहे हैं। अपनी वाइफ को लेके आना। जरूर। हाँ, वो आपकी पार्टी में आके बहुत खुश होगी। मैंने उसे नई कार खरीदने की पार्टी देने के लिए बोला, उसने मुझे अब तक नहीं दी, लगता है वो पैसे बचा रहा है। अब बहुत हो गया। मां तुमसे कई बार कह रहा है कि मुझे माना मत, तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने क्या किया? ठीक है छोड़ो, मैं तो बस पार्टी मान रहा था।
अबे साले सो क्यों नहीं जाता? क्या हुआ, गूंगा हो गया क्या? बोल कमीने। हेलो हेलो, हेलो 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 बेटा, कोई दिक्कत है? माँ, सिद्धू को लगा कोई और है। एक लड़का मेरे फोन पर कॉल करके मुझे परेशान करता था। सिद्धू ने बिना नंबर चेक किए फोन उठाया। उससे बात करो। नहीं, अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें जल्दी आने को कहो। पापा ने ये जानने के लिए कॉल किया था तुम निकल गए क्या? ठीक है माँ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक, अब अच्छा लग रहा है तुम्हें? मुझे क्या पता था तुम्हारे पापा हैं? तो क्या हुआ, तुमने गाली क्यों दी? मुझे किसी को गाली देके या मार के मदद करने वाले लोग नहीं चाहिए। मैं क्या करूं, मैं हमेशा से ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही बर्ताव करता हूं। तुमको पहले से पता था ना, सहन करने में दिक्कत हो रही तो तुम जा सकती हो, जो चाहिए वो करो। ओहो, तो ये तुम्हारा समाधान है? अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं? कुछ नहीं होगा, तुम मुझे छोड़ दोगे तो क्या होगा? हां, मर जाऊंगा, मैं यहां अकेला रहूंगा, तुम्हें रहना तो रखो, वरना निकल जाओ। चॉकलेट? नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? रुको 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 सिद्धू, प्लीज सिद्धू। प्लीज उसे जाने दो सिद्धू, प्लीज। भाई रुक, पत्ते सिद्धू, मुझे डर लग रहा है, प्लीज रोको। सिद्धू प्लीज, सिद्धू
सिद्धू प्लीज, सिद्धू प्लीज, प्लीज प्लीज। देखा नहीं उसने क्या किया? कम से कम मेरे लिए प्लीज उसे जाने दो, प्लीज प्लीज सिद्धू। खुद को तुम ऐसे ही हो, तुम इतनी जल्दी गुस्सा हो जाते हो। वो साला रॉन्ग साइड पे था। तो तुम होते कौन हो मुझे नियम सिखाने वाले? अगर हमें कुछ हो जाता तो तुम्हारे पास हर चीज का कारण है। मैं तुम जैसे गुस्से वाले के साथ नहीं रह सकती। मैं शांति से जिंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे भूख लगी है। शहर में थे तब बताना चाहिए था। आसपास कोई होटल भी नहीं होगा। आपकी गाड़ी कहाँ है? वहाँ है सर, लाइसेंस और पेपर्स, हाँ सब कुछ वहीं है। कहाँ जा रहे हो? मसनगुड़ी सर। कहाँ से आ रहे हो? कोची सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, यहाँ आसपास कोई होटल है? हाईवे के किनारे एक है, ठीक आगे। ओह ठीक है, थैंक्स सर। देखो देखो वहां होटल है। तुम वहां हाथ धो सकती हो, चलो। क्या मैं जाना चाहिए? मुझे सच में भूख लगी है। हेडलाइट ऑन है।
ठीक मसालेदार चिकन एक अच्छा पक्षी है, ये तुम्हें पसंद है? सावित्री कैसी हो? तुम्हारी चिड़िया बहुत फड़फड़ा रही है। जब तक हो सके इसे फड़फड़ाने दो। क्या कह रहा था वो तुमसे? तुम क्यों पूछ रहे हो, उससे लड़ने जा रहे हो? उसने कुछ नहीं कहा। चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है, वैसे भी दूसरा होटल नहीं मिलेगा, खाने खा के चलते हैं। सुनो जरा, हेलो, मेन्यू में क्या है? आपको क्या चाहिए? क्या मिल सकता है? अरे आपको क्या चाहिए? आपके पास डोसा है? डोसा नहीं है। चपाती? चपाती भी नहीं है। फिर यहाँ और क्या है? हम यहाँ से पराठे देते हैं। तो पहले नहीं बोल सकते थे, हमसे क्यों पूछा? भैया हमें दो पराठे और कोई भी करी चलेगी। आपको पहले ही बता देना चाहिए था। क्या सिद्धू, तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? सच में उसका रवैया देखा? हम ऐसे होटल में हैं, ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हम यहाँ सिर्फ खाने के लिए हैं, अच्छे संस्कार सिखाने के लिए नहीं। मुझे फिर से सिखाना शुरू मत करो। भाई छोड़ दो। भैया हमें पीने के लिए कुछ मिल सकता है? क्या चाहिए? जूस है? हमारे यहाँ जूस है, चाय है, सोडा है, कोला है। सिद्धू तुम्हें क्या चाहिए? जो भी हो। ठीक, भैया दो पाइनएप्पल जूस चाहिए, ताजा वाला। हाँ ठीक है, ताजा वाला। जगह कितनी गंदी है। मुझे भूख लगी है, तुम्हारा मनो तो खाओ। यहाँ कर बैठ। संभाल लूंगी।
सावित्री। क्या चकारा? यहाँ आओ। ए, ये क्या है? भैया क्लास में कुछ है। क्या? सिर्फ एक मक्खी है। जाना ही नहीं चाहिए था। चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है जल्दी चलो। ये रहा बिल। क्या करना होगा? इस बिल में 80 रुपए कम करो। क्या? अभी तुमने क्या कहा? इस बिल में से 80 रुपए कम करो। देखना इसे, उसने कितना कम करने को कहा? 80 रुपए कम करने को? हम यहाँ पैसे कम नहीं करते सर, आजकल तो 80 रुपए भी बहुत हैं। ब्याज दरें आजकल 30% हैं। मैंने पाइनएप्पल जूस नहीं पिया, ये आपको कम करना पड़ेगा। ऐसी चीज का बिल जो आपने नहीं पिया? ए मणि, बिल में गड़बड़ी है। वो कह रहा है कि उसने जूस नहीं पिया है। बिल में बस वही है जो उसने ऑर्डर किया था। अब उसने नहीं पिया तो मेरी गलती क्या है? आप जो खाते हैं उसका बिल तो भरना ही पड़ेगा ना सर। मैंने जो खाया उसी के पैसे भरूंगा। मुझे पागल मत करो सर, अगर आपको पसंद नहीं आया तो हम क्या कर सकते? बिना बिल चुकाए यहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना मिस्टर जॉन? धमकी है, फिर आकर मुझसे ले लो। वो पागल है चक्रकारा। मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हारा पेट भर गया है तो तुम्हें पैसे नहीं देने, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, तुम जा सकते हो। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे मौत में कुछ नहीं चाहिए। मुझे बताओ कितने पैसे हुए? अगर पैसे देने हैं तो पूरे देने होंगे। बिल दे दो, चलो चलते हैं। तुम्हारे पास कैश है? मैंने अपना पर्स नहीं लिया। बिना पर्स के घर से कैसे निकल सकती हो? मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? जब मैं आ रहा था मकान मालिक ने किराया मांगा, इसलिए मैंने उसे सब कुछ दे दिया। अब हम क्या करें? वो मुश्किल में है चक्रा। मैं भी मुश्किल में हूँ मिस्टर जॉन। तुम जवान लड़कियों को देखकर अपना कंट्रोल खो देते हो चक्रा। मेरे पास जवान दिल है मिस्टर जॉन। बिल्कुल। नहीं, हम ये नहीं कर सकते सर, हम अभी इतने आगे नहीं बढ़े। मेरे पास कैश नहीं है। मैंने तुमसे कहा था हमें पैसे नहीं चाहिए। देखो वो चिंता में है। पास में कोई एटीएम है? आप फिर से गुस्सा हो रहे हैं सर। यहाँ आसपास कोई एटीएम है चक्कारा? उन्हें इतना घमंड है तो भरने दो पैसे फिर मिस्टर जॉन। पास में एक एटीएम है, बस उस रास्ते से लगभग 2 किलोमीटर जाना है। चलो चलते हैं, जाओ और जल्दी आओ।
आओ। रुको, ऐसे मत जाओ। गारंटी है कि तुम वापस आओगे? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे मिस्टर जॉन। हाँ, अगर चक्रा को यकीन नहीं है तो मुझे भी नहीं। एक आइडिया है मिस्टर जॉन। क्या? उसे जाने दो और वापस आ जाने दो, तब तक उसे यहीं रुकने दो। हाँ, ये अच्छा है। तुम तो बहुत चतुर हो चक्रा। मैं ऐसा नहीं लगता ना। नहीं, अपनी घड़ी उतार रहा है मिस्टर जॉन। ये जरूरी नहीं है सर। हम बुरे लोग नहीं हैं। हमें आप पे भरोसा है सर। तुम जा सकते हो, वो यहाँ सेफ रहेगी। प्लीज बकेड़ा खड़ा मत करो। मैंने शांति से तुम्हें जाने को कहा था, लेकिन जब खेल शुरू किया है तो खेलते हैं और खत्म करते हैं सर। पहले पैसे दो फिर जाओ। के ले अकेली? मेरे बात सुनो, यहां रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। वो तुमसे ज्यादा चालाक है। सॉरी। सिद्धू, मैं ले आती हूं, तब तक कोई दिक्कत मत खड़ी करना प्लीज। न्यूट्रल गियर में नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, उसे जाने दो, आप यहीं रुकिए सर। नहीं आ पाएगा चक्कारा। हाँ, वो खराब ड्राइवर थी, लगता है टूट गई है। धक्का लगाने में मदद करो। ठंड में वहां मत खड़े रहो, अंदर इंतजार कर लो।
मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ईंट है। वो काम नहीं करता सर। चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। टेंशन में लग रहे हो सर। अपनी पत्नी को किसी और के फोन से कॉल करना सेफ नहीं है। आपने जो नंबर डायल किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है। अरे कैसे हो? मैं अपने दोस्तों का सामना तक नहीं कर सकता। ए, ए, अपना दाव लगाओ। ठीक है आ जाओ। अरे उसे वहां रखो, यही आ जाओ। मिस्टर क्या है? स्वामी यार ने ब्याज दिया है। चलो जारी रखो, रुकना। क्या है? मुझे बताओ। ए, जल्दी करो। किस पे दाव लगाया? भैया यहाँ आसपास कोई एटीएम है क्या? है एटीएम यहाँ आसपास है? मुझे नहीं पता। बैंक पैसे निकालना। यहाँ आसपास कोई पुलिस थाना है? हाँ वहाँ एक थाना है वहाँ। उस तरफ जी
वो फंस गई है, मैं उसे भागने नहीं दूंगा। यहां से चले जाओ, उसे कुछ खाने को दो पागल। अपने दांव लगाएं, अब आप कर्ज नहीं ले सकते। आ जाओ इसे लगा दो, आ जाओ नहीं जाओ, तुम्हें मिला, जारी रखो, चलो चलो। अरे तो ये है तुम्हारा काम, ऐसे लगते तो नहीं हो, तुम्हें देखकर मुझे शक हुआ। बाइक ले लो, हिम्मत हो तो ले लो, ले लो। जब से आए हो तब से परेशान कर रहे हो, बंद कर दो इसे अंदर। आओ देख लेके जाओ। निकलो सर।
विद्या जी, वो बहुत तेज गाड़ी चला रही है, उसे दूर नहीं होने दूंगा। कार फंस गई ना? ओ, तुम बहुत तेज गाड़ी चला रही थी। दरवाजा खोलो। कार से बाहर निकलो, यहाँ कोई नहीं है। सीट बेल्ट लगा दो और बाहर आओ। मुझे छोड़ दो, छोड़ो। स्ट्रॉन्ग हो तुम। मुझे छोड़ दो। मेरे प्लान को खराब करने आ गए।
से तुमको मदद की जरूरत है। रोना बंद प्लीज। करो मैडम, आराम से, प्लीज प्लीज परेशान ना हो। सर मैंने आपको फोन किया था, वो खेली थी। प्लीज कार में बैठिए। वो गुंडा था सर, गाड़ी को देखते ही भाग गया। उसकी कार में मेरे पीछे आ जाओ। जी सर। प्लीज यही रहे मैडम, मैं जगह की तलाशी लेकर वापस आता हूँ। सुनो यहाँ आओ सर, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो मर जाएगा। जल्दी बुलाता हूँ। क्या ये एम्बुलेंस सेवा है? मसानागुड़ी हाईवे पर होटल में आए, प्लीज वहां मत जाइए, आप ये देखना नहीं चाहेंगे। अंजलि, सी, ये उसी ने किया है, उसे पकड़ो। चलो चाकू ले आओ। कांस्टेबल सर, सर प्लीज मेरी बात सुनिए। गाड़ी में बैठने की बात बात करते हैं सर, सर। चलो सर, अंजलि सिद्धू उसे ड्रिप दो, उसके पेट में गहरी चोट है, उसे सर्जरी की जरूरत है। ठीक है, उसे मसानागुड़ के अच्छे अस्पताल में ले जाएं, इससे पहले उसका बयान दर्ज करें। अच्छा ठीक है, आओ। जॉन अब कैसे महसूस कर रहे हो? तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था? उसी ने तुम्हें चाकू मारा था? इसे अंदर बंद करो। कैसा चल रहा है जॉन? उन्हें अभी भी पैसा ज्यादा जरूरी लगता है। मेरी दुकान पे हाथ जमाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देख क्या रहे हो, मारो उन्हें। अरे हटो, हटो, मार दे जा।
मरेगा। पकड़ो उसे, रुको उसे, रुको उसे, भागो, उसे पकड़ो, रुको, हॉर्न बजाओ, ले, ले, हट भाई, तो मैं जाने दो, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मुझे छोड़ दो। माणी सर, मुझे बचा लो, मेरा एक परिवार है। पानी, पानी सर, साइन करो।
अगर हम आपको कॉल करेंगे तो आपको रिपोर्ट करना होगा। ठीक है। चाबी दो, मैं चलाऊंगी। माफ करना। कल रात तुमने क्या सोच के मुझे अकेले जाने दिया? मैं कल सच में डर गया था। मुझे तुम्हें अकेला छोड़ने में डर लग रहा था। बात सिर्फ 80 रुपए की ही थी। मेरी गलती थी। ये सब होटल में शुरू नहीं हुआ ना? अंजलि, मुझे पता है तुम मेरे बर्ताव से परेशान, लेकिन मैं तुमसे एकदम बदलने का वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तुम मेरे साथ हो तो सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे जिंदगी भर साथ रहना पड़ेगा? ओह, माफ करना।